वेलकम स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट सेशन इन द क्रैश कोर्स सीरीज फॉर एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आज के सेशन में हम लॉ ऑफ टॉट्स की बात करेंगे। अब पहला कंफ्यूजन है कि ये लॉ ऑफ टॉट्स होता है या फिर लॉ ऑफ टॉट होता है, तो इस कंफ्यूजन को आज सबसे पहले क्लियर करते हैं। अच्छा, टॉट क्यों इम्पॉर्टेंट है? टॉट एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्लैट के लिए नहीं भी तो बाकी सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऑल दो ये क्लैट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यू नेवर नो कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए, तो हमें एज अ स्टूडेंट अपनी तैयारी 100% रखनी चाहिए। बाद में पेपर में जो आ जाए वो हमारा गुड लक या हमारा बैड लक, वैसे तो स्टूडेंट के लिए गुड लक ही होता है, बट देन लेट्स डिस्कस इट। ओके, तो सैल्मन ने इसे बोला लॉ ऑफ टॉट्स। सैल्मन ने कहा कि कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स हैं सिर्फ वो ही टॉर्टियस लाइबिलिटी में आ सकते हैं, इसलिए ये है लॉ ऑफ टॉट्स। लेकिन सैल्मन की थ्योरी के अगेंस्ट थे विनफील्ड एंड पोलॉक। उन्होंने कहा कि नहीं, ये होता है लॉ ऑफ टॉट, कोई भी ऐसी चीज विच इज रॉन्गफुल will be covered under law of tort. So technically Winfield और Pollack ने Salmon की थ्योरी को बुलाया pigeon hole थ्योरी और बोला कि ये जो Salmon ने कहा ना law of torts के बारे में, ये गलत है। हर वो चीज़ जो wrongful है और जो apply कर रही है essential ingredients of torts, वो सब tortious liability के अंदर fall कर सकता है। अब एक important बात और, क्या law of torts civil in nature है या criminal in nature है? ये बात हमें दिमाग में बिठा लेनी है कि लॉ ऑफ टॉट्स सिविल इन नेचर है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये क्रिमिनल है क्या, नहीं ये क्रिमिनल नहीं है। लॉ ऑफ टॉट्स जो होता है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम और फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ ऑफ टॉट्स जो है वो हमारा सिविल रॉन्ग होता है, सिविल रेमेडी हमारे पास अवेलेबल होती है फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स। एक और बात जो हमें लॉ ऑफ टॉट्स के साथ याद रखनी है वो ये है कि दिस इज अ काइंड ऑफ अनकोडिफाइड लॉ। लॉ ऑफ टॉट्स जो है वो अनकोडिफाइड है। कोई अब ये अनकोडिफाइड का मतलब क्या हुआ? अनकोडिफाइड का सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब हुआ जिसे हम एक बेयर एक्ट या एक किताब के अंदर हमने कोडिफाई नहीं करा। सो वी डू नॉट हैव अ कोडिफाइड लेजिस्लेशन पर से ऑन लॉ ऑफ टॉट्स। विद द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स इज अनकोडिफाइड, जहाँ पर हम नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, डिफेमेशन एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों की बातें करेंगे, और ये सब लीगल लाइबिलिटीज हैं, ये सब सिविल रॉन्ग्स हैं। ऑल दो वी डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, दैट इज वाई वी कॉल एंड वी डिनोट लॉ ऑफ टॉट्स एज अनकोडिफाइड लेजिस्लेशन। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हमसे MCQ में बहुत पूछा जाता है, ये टॉट जो वर्ड है क्या ये कहीं पर डिफाइंड है? अब टॉट जो वर्ड है वो खुद के लेजिस्लेशन में तो डिफाइंड हो नहीं सकता क्योंकि ये कोडिफाइड नहीं है, लेकिन येस इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड अंडर अ सर्टेन लेजिस्लेशन। नाउ यू विल टेल मी इन द चैट बॉक्स अंडर विच लेजिस्लेशन लॉ ऑफ टॉट हैज अ डेफिनेशन। नाउ नॉट पर्सन लॉ ऑफ टॉट, बट वी विल फाइंड द डेफिनेशन ऑफ टॉट इन अ सर्टेन इंडियन लेजिस्लेशन। नाउ यू विल टेल मी इन द चैट बॉक्स कि ये कौन सा लेजिस्लेशन है जहाँ पे हमें टॉट का डेफिनेशन मिलता है। ऑलराइट, मूविंग फर्दर, ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ? ये वर्ड डिराइव हुआ फ्रॉम द टर्म टॉटम, जिसका मतलब है ईदर ट्विस्टेड और अ क्रूक्ड एक्ट। ये भी कभी कभी हमसे MCQ के फॉर्मेट में पूछ लेते हैं। अब टॉट के साथ हमें कुछ बातें याद रखनी है, पहली कि वो सिविल रॉन्ग है, दूसरी बात दिस इज डिफरेंट फ्रॉम क्राइम और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्राइम ये दो अलग अलग बातें हैं। यू डू नॉट एवर मिक्स द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इन द टॉर्ट्स वाला एस्पेक्ट। थर्ड, एक्शन फॉर डैमेजेस में हमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं। अभी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब जिसको हम एक फिक्स अमाउंट में असर्टेन नहीं कर सकते। हमें ऐसा डैमेज कॉज हुआ जिसको हम एक फिक्स पैरामीटर में, फिक्स चार की एस्पेक्ट्स में कवर नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा लॉ ऑफ टॉट के लिए हमें मिलता है अनलिक्विडेटेड डैमेज।
अब टॉट की लाइबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए ना मेरे लिए तीन बातें इंपॉर्टेंट है. पहला, कोई एक्ट या ओमिशन होना चाहिए. या तो मैंने कोई ऐसा काम करा जो कि सिविल रॉन्ग है, या मैंने कुछ करने से खुद को ओमिट करा जो सिविल रॉन्ग है. उसके बाद इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स. अभी कौन से राइट्स हैं? ये ऐसे वैसे राइट्स नहीं है, ये है लीगल राइट्स. लॉ ऑफ टॉट्स को अप्लाई करने के लिए लीगल राइट्स का इंफ्रिंजमेंट होना सुपर इंपॉर्टेंट है. लीगल राइट्स यदि इंफ्रिंज नहीं होंगे तो लॉ टॉटियस लाइबिलिटी वहां पर अप्लाई ही नहीं की जा सकती. देन एन एक्शन फॉर डैमेजेस. विच काइंड ऑफ डैमेजेस? इन टॉट यूजली द कोर्ट ग्रांट्स अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, डैमेजेस विच आर नॉट लाइबल टू बी असर्टेन इन अ गिवन फॉर्मैट और समथिंग लाइक फॉर्मैट. ऑलराइट. अच्छा, अब हमें एक बात याद रखनी है, ये जो डैमेजेस वर्ड है ना, इसके भी दो मतलब हैं. एक होता है डैमेज, एक होता है डैमेजेस. जो डैमेजेस है वो तो मॉनेटरी कंपनसेशन है जो हमें कोर्ट ग्रांट करेगा यदि हमारे साथ कोई टॉट कमिट होता है. तो डैमेज का मतलब क्या हुआ? डैमेज का मतलब हुआ हमारे साथ जो भी हार्म डन है, जो भी गलत चीज़ हमारे साथ हुई है वो डैमेज कॉज टू अस होता है. और जो कंपनसेशन उसके बदले में, उस डैमेज के लिए जो कंपनसेशन हम क्लेम करते हैं उसे हम डैमेजेस कहते हैं. अब कहने को तो सिर्फ एक एस का फ़र्क है, लेकिन एग्जाम में एमसीक्यू आ जाएगा तो हमारा पूरा मार्क चला जाएगा. हो सकता है हम नेगेटिव मार्किंग में भी मारे जाएँ. तो एक बात हमें याद रखनी है, डैमेज का मतलब होता है जो गलत चीज़, जो एक्ट और ओमिशन हमारे साथ हुआ, जो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हमारे साथ हुआ. एंड डैमेजेस का मतलब होता है उस इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट के चलते जो एक्शन हमने क्लेम किया, जो डैमेजेस, जो अमाउंट हमने मांगे, वो हो जाते हैं हमारे लिए डैमेज, डैमेजेस. एंड डैमेजेस द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट कॉज टू अस. ऑलराइट. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट मैक्सिम व्हिच रिलेट्स टू लॉ ऑफ, व्हिच रिलेट्स टू, व्हिच स्पेसिफिकली रिलेट्स टू लॉ ऑफ टॉट्स इज ओबिजस इमिरेबिडियम. अब ये ओबिजस इमिरेबिडियम क्या होता है? ओबिजस इमिरेबिडियम का मतलब है जहां पर एक राइट है, वेयर यू हैव अ राइट, विद रिस्पेक्ट टू दैट देयर विल बी अ रेमेडी ऑलवेज अवेलेबल. दिस इज ओबिजस इमिरेबिडियम. इसका मतलब है कि जहां मेरा कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ, जहां मेरा कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ, वहां पे मेरे पास रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस टॉर्टियस लाइबिलिटी में फॉर श्योर अवेलेबल होती है. तो ओबिजस इमिरेबिडियम जो है, दिस इज अ मैक्सिम कनेक्टेड विद लॉ ऑफ टॉट्स और टॉर्टियस लाइबिलिटी, वॉट एवर यू विश टू कॉल इट. सो इट सिंपली स्टेट्स दैट जहां पर आई हैव अ राइट, आई विल ऑलवेज हैव अ रेमेडी. एंड इन टॉट अ रेमेडी इज अवेलेबल वेन एवर अ लीगल राइट इज इन्फ्रिंज्ड ऑफ द पार्टी, एंड द रेमेडी इज इन द फॉर्म ऑफ एन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. ऑलराइट. देन मूविंग फर्दर, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं डैमेजेस के जो हमें कवर करने हैं. एक हीरो कॉन्सेप्ट है इंजरा साइन डैमनम, एक है डैमनम साइन इंजरा. दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ना, लेकिन इसको समझते हैं क्या मतलब होता है. इंजूरिया का मतलब होता है लीगल इंजुरी, इंजूरिया का मतलब होगा लीगल इंजुरी. लीगल इंजुरी से मेरा मतलब है व्हेन एवर अ राइट ऑफ अ पार्टी इज हैम्पर्ड, दैट इज अ लीगल इंजुरी कॉज टू हिम. डैमनम का मतलब होता है डैमेजेस, डैमेजेस. ठीक है. अब ऐसा हो सकता है, अब दो पैरामीटर्स है, लीगल इंजरी साइन इंजुरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजुरिया. दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, दोनों में दो कॉमन वर्ड है जिसका मतलब मैंने आपको समझाया. एक इंजुरी, इंजुरिया का मतलब हो गया लीगल इंजरी, डैमनम का मतलब हो गया डैमेज. अब ये दोनों वर्ड्स तो कॉमन है, तो इसको याद कैसे रखेंगे? इंजुरिया साइन डैमनम का मतलब है लीगल इंजुरी विदाउट डैमेज. इंजुरियस एंड डैमनम का मतलब हुआ व्हेनेवर लीगल इंजुरी इज कॉज टू द पार्टी, दैट मींस द पार्टीज लीगल राइट्स आर हैम्पर्ड बट देयर इज नो एक्चुअल लॉस सफर्ड एट द एंड ऑफ द पार्टी. अब इसके लिए आई विल टेक यू टू थ्रू टू इंपॉर्टेंट केसेस. एशबे वर्सेस वाइट के केस में क्या हुआ था? इसके केस में देयर वाज अ पर्सन हु वाज अ क्वालिफाइड वोटर एंड he was denied to vote, he was denied to cast a vote. ठीक है.
एशबी वर्सेस वाइटी केस में द पर्सन वॉज अ क्वालिफाइड वोटर एंड टेक्निकली एज पर लॉ उसको वोट करने का एब्सोल्यूट राइट था, लेकिन यहाँ पे उसको वोट करने का मौका नहीं दिया. तो उसका एक लीगल राइट था, राइट टू वोट, वो राइट यहाँ पे इन्फ्रिंज हुआ, तो लीगल इंजरी का इन्फ्रिंजमेंट हुआ. येस, नाउ व्हाट हैपेंड, जिस भी कंटेस्टेंट को वो वोट करना चाहता था वो एनी वे इलेक्शन जीत गया इवन विदाउट हिज वोट. तो कोई स्पेसिफिक डैमेज नहीं हुआ, देर वॉज नो एज सच डैमेज इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि जिसे वो जिताना चाहता था वो तो ऑटोमेटिकली जीत गया विदाउट हिज वोट ऑल्सो. लेकिन तब भी कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पर लाइबिलिटी जो है वो इनकर होगी, क्योंकि इवन दो देर इज नो डैमेज, इवन दो डैमेज इज नॉट अवेलेबल हियर, तब भी लीगल इंजरी हुई है. एंड लीगल इंजरी दैट इज, लेट्स गो बैक, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स. लीगल इंजरी, लीगल इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टॉर्ट्स रेमेडी. तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, क्योंकि उसका एक लीगल राइट इन्फ्रिंज किया बाय स्टॉपिंग हिम टू कास्ट अ वोट, देन नो मैटर डैमेजेस हैव हैपेंड और नॉट, डैमेजेस हुए नहीं हुए कोई मतलब नहीं है उससे, लीगल इंजरी हुई है तो यहाँ पर टॉर्टियस लाइबिलिटी जो है वो एस्टैब्लिश की गई एंड कोर्ट अलाउड डैमेजेस इन दिस पर्टिकुलर केस. डैमेजेस कौन सा, रेमेडी वाला डैमेज जो हमने देखा है, एक्शन फॉर डैमेजेस, दिस विल ओनली पर्टेन व्हेन देयर इज अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट. तो क्योंकि यहाँ पे एक लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ था एशबे वर्सेज वाइट में, इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पे डैमेजेस ग्रांट किए. सिमिलरली भीम सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी इंजरा साइन डैमनो का केस है. यहाँ पे द पर्सन वॉज इलीगली डिटेन्ड एंड कोर्ट हेल्ड टू बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21. अब यहाँ पर भी कोई एक्चुअल डैमेज, फिजिकल डैमेज, मेंटल डैमेज, मेंटल एग्नी ऐसा कुछ कॉज नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि भीम सिंह का एक लीगल राइट यहाँ पे इन्फ्रिंज हुआ था, दैट इज वाई दिस इज अ लैंडमार्क केस वेर द कोर्ट्स हैव अप्लाइड इंजरा साइन डैमनो एंड अलाउड डैमेजेस टू द अग्रीव्ड पार्टी. ऑलराइट, नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट इज डैमनम साइम इंजरा. पहले हमें एक बात समझना है, क्या इसमें टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज होती है? आंसर इज नो. डैमनम साइन इंजरा में कोई टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है, विच सिंपली मीन्स दैट डैमेजेस हैव हैपेंड बट विदाउट अ स्पेसिफिक लीगल इंजुरी. डैमेज तो हुआ लेकिन विदाउट अ स्पेसिफिक लीगल इंजुरी हुआ. अब इसका लैंडमार्क केस है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस. इस केस के अंदर क्या हुआ था, देयर वॉज ऑलरेडी ऑन ऑन गोइंग स्कूल ऑन दिस साइड ऑफ द रोड जो बहुत टाइम से चल रहा था. कॉम्पिटिटर ने आके सामने रोड के सामने वाली तरफ पे एक नया स्कूल खोल दिया और उसकी फीस काफ़ी कम कर दी, बहुत सारे और फिर आप फैसिलिटीज दे दी, जिसके कारण से जो इधर स्कूल था जो पहले से चल रहा था उस स्कूल के एडमिशन्स पे बहुत अफेक्ट पड़ा. अब यहाँ पे फाइनेंशियल डैमेज तो हुआ था ग्लॉस्टर स्कूल को जो पहले से चल रहा था, लेकिन दूसरा स्कूल खोल के द अदर पार्टी दैट इज द डिफेंडेंट्स, उन्होंने कोई भी लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं किया था प्लेंटिव का. यहाँ पर दोनों के पास राइट टू ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड एक्सप्रेशन है. यहाँ पर भी वो ट्रेड कर रहे थे, इधर भी वो ट्रेड कर रहे थे. उन्होंने आके नया स्कूल डाला जिसकी फीस कम की थी, तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हुई. तो यहाँ पे ऑल दो फाइनेंशियल डैमेज हुआ था, लेकिन तब भी क्योंकि कोई इंजुरिया नहीं था, दैट इज कोई लीगल इंजुरी नहीं थी, किसी भी पार्टी का कोई लीगल राइट यहाँ पे इन्फ्रिंज नहीं हुआ था, इसीलिए कोर्ट ने इसके अंदर डैमेजेस ग्रांट नहीं करे. और कोर्ट ने कहा कि डैमनम साइन इंजरा के केस के अंदर टॉर्टियस लाइबिलिटी जो है वो एस्टैब्लिश नहीं की जा सकती. टॉर्टियस लाइबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंजरा साइन डैमनो में ही एस्टैब्लिश की जाएगी. कोर्ट ने ये क्लैरिफाई करा स्पेसिफिक केस में. ऑलराइट, देन बिफोर मूविंग टू दिस, देर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट मैक्सिम विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टॉर्टियस लाइबिलिटी. I'll take you through that particular maxim here. Alright. Criminal law और tort के बीच का एक difference मैं आपको explain कर रही हूँ. Criminal law का एक बहुत famous maxim है, actus non facit iam मेंस सिट रिया. ये सिंपल सी बात कहता है कि क्रिमिनल लाइबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए मेंस रिया प्लस एक्टस रिया दोनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना मेंस रिया या बिना एक्टस रिया के आप क्रिमिनल लाइबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं कर सकते. तो क्या टॉर्ट में भी मेंस रिया, मोटिव, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं? इसको आंसर करने के लिए वी विल हैव टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ मिलाइज.
अब मेलाइज का बेसिक मीनिंग क्या होता है? एक ह्यूमन माइंड के तीन मोटे मोटे स्टेजेस होते हैं। पहला होता है मोटिव स्टेज, ठीक है, जब वो कोई क्राइम कमिट करने का क्या उसके पीछे रीजन है, क्राइम कर रहा है, सिविल रॉन्ग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, किसी भी तरीके का वो यदि रॉन्ग करेगा तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होगा। दूसरा स्टेज होता है इंटेंशन। तीसरा स्टेज होता है मलाइज, ठीक है। दूसरा स्टेज हो गया इंटेंशन, तीसरा स्टेज होता है मलाइज। अब देखो, टॉट के अंदर मोटिव इररेलेवेंट है, इंटेंशन भी इररेलेवेंट है, मलाइज भी इररेलेवेंट होता है, एक्सेप्ट इन सर्टन सिचुएशंस। कुछ सिचुएशंस में मलाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सिंपल सी बात है, मलाइज दो तरीके का हो सकता है, मलाइज इन लॉ भी हो सकता है, मलाइज इन फैक्ट भी हो सकता है। लॉ का मतलब है जब आपने कोई भी रॉन्गफुल एक्ट किया और वो आपने इंटेंशनली किया है विदाउट हैविंग अ जस्ट एंड रीजनेबल कॉज। अब यदि मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया, अब उस थप्पड़ मारने के पीछे क्या इंटेंशन था, क्या मोटिव था, ये तो इररेलेवेंट है। पर मैंने थप्पड़ मारा तो जो इंजुरी उसे कॉज हुई, क्योंकि हर इंडिविजुअल का एक राइट है सोसाइटी में फ्रीली और सेफली मूव करना, मैंने उसे थप्पड़ मारा तो मैंने क्राइम कमिट किया उसके अगेंस्ट। सिमिलरली यदि हम इसी को सिविल रॉन्ग के फॉर्मेट में समझेंगे, यदि मैं आज रात को 2 बजे बहुत तेज लाउड स्पीकर पे गाने बजा रही हूँ तो मेरा यहाँ पर जो इंटेंशन है वो गलत है, क्योंकि लॉ कहता है कि आप रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पे तेज गाने नहीं बजा सकते। तो यदि मैं रात को 12 बजे गाने बजाऊंगी तो मैं पब्लिक मोरालिटी और पब्लिक न्यूसेंस कॉज करूंगी, विच इज अगेन अ रॉन्ग, विच इज अ रॉन्ग। एंड मेरे आसपास के लोगों को हो सकता है कि उससे प्रॉब्लम हो, विच विल लीड टू प्राइवेट न्यूसेंस आल्सो। तो मलाइज का टेक्निकली मीनिंग ये होता है, मलाइज इन लॉ का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि मैंने कोई भी ऐसा काम करा जो लॉ के हिसाब से जस्ट और रीजनेबल नहीं है। यदि वो जस्ट और रीजनेबल नहीं है तो मेरा टॉर्टस लाइबिलिटी यहां पे एस्टैब्लिश किया जा सकता है। सेकंड टाइप होता है मलाइज ऑफ फैक्ट। फैक्ट का सिंपल टर्म्स में मीनिंग होता है इम्प्रॉपर मोटिव। मेरा जो मोटिव था वो पर्टिकुलर एक्ट करने का, जो रॉन्गफुल एक्ट करने का था, वो इल विल थी, वो मैंने मलिशियसली करी, मतलब गलत इंटेंशन, इल इंटेंशन से किसी चीज को करना मलाइज इन फैक्ट होता है। अब एक सिंपल बात, टॉर्ट में क्या मलाइज रेलेवेंट है? हर बार टॉर्टस लाइबिलिटी के अंदर मलाइज इररेलेवेंट होता है, एक्सेप्ट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। वो सर्कमस्टांसेस क्या है? पहला है मलिशियस प्रोसिक्यूशन, फिर न्यूसेंस, कॉन्स्पिरसी, डिसाइड एंड इंजूरियस फॉल्सहुड। मलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब ये है, इस केस के अंदर प्लेंटिफ एस्टैब्लिश करता है कि डिफेंडेंट ने गलत और इल फीलिंग के साथ वो पर्टिकुलर केस जो है वो इनिशिएट किया है प्लेंटिफ की तरफ। कोई भी रियल स्टैंड नहीं बनता है डिफेंडेंट का यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का जो ड्यूटी है, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का जो ड्यूटी है वो इल विल एस्टैब्लिश करना है या मलाइस एस्टैब्लिश करना है अगेंस्ट डिफेंडेंट। प्लेंटिफ को कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ता है, सॉरी विल बी प्लेंटिफ नॉट प्रोसिक्यूशन, आई एम सॉरी, दिस विल बी प्लेंटिफ। प्लेंटिफ को कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ता है, सिविल रॉन्ग राइट, प्लेंटिफ को कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ता है कि डिफेंडेंट के मन में कुछ ना कुछ इल विल है, मलाइज है, उसके कारण उसने ये प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया है। तो ये होता है मलिशियस प्रोसिक्यूशन का टॉट। अब इसमें क्योंकि कॉन्सेप्ट ही मलिशियस प्रोसिक्यूशन का है तो मलाइज ऑटोमेटिकली काफी रेलेवेंट हो जाता है। ऑलराइट, देन न्यूसेंस के अंदर, न्यूसेंस के अंदर भी मलाइज जो है वो रेलेवेंट हो जाता है। आप किस इंटेंशन से न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, अभी हम लेक्चर में आगे समझेंगे न्यूसेंस कितने टाइप्स का होता है, टॉट में न्यूसेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन न्यूसेंस के अंदर भी मलाइज का प्रेजेंट होना ना होना काफी रेलेवेंट फैक्टर हो जाता है टू एस्टैब्लिश द टॉर्टियस लाइबिलिटी। सिमिलरली कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी एक लौता ऐसा टॉट है जिसके अंदर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हो, बट देन यू हैव बीन एक्टिव मेंबर ऑफ दैट लाइबिलिटी। ऑल राइट, यू डू नॉट हैव अ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पर से, बट देन यू मे हैव बीन एन एक्टिव मेंबर। तो आपका मोटिव था कि नहीं था, आपका मलाइज था कि नहीं था, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है टू डिटरमाइन द टॉर्टियस लाइबिलिटी इन द गिवन केस। सिमिलरली इन द केस ऑफ डिसाइट एंड इंजूरियस फॉल्सीहुड ऑल्सो मलाइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट होता है मालफीसेंस का।
विच सिंपली स्टेट्स ऐसे टॉट्स जो एक्शनेबल पर से हैं, ऐसे टॉट्स जो एक्शनेबल पर से, एक्शनेबल पर से मतलब जिसके अंदर हमें प्रूफ ऑफ मलाइस नहीं देना पड़ता है, उन्हें हम मालफिसेंस टॉट्स कहते हैं। ऐसे टॉट्स जो ऑलरेडी एक्शनेबल है विदाउट गिविंग अ प्रूफ ऑफ मलाइस, उन्हें हम मालफिसेंस टॉट्स कहते हैं। बाकी हमारे जो टॉट्स है, बाकी जो हमने मलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए जो लिस्ट देखी हमने, मलिशियस प्रोसिक्यूशन हो गया, न्यूसेंस हो गया, कॉन्स्पिरेसी हो गया, डिसाइट हो गया, इंजूरियस फॉल्सीहुड हो गया, इन सब के अंदर मलाइस को एस्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, जनरल डिफेंसेस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट। ये जनरल डिफेंसेस क्या है, ये तो हमने क्रिमिनल लॉ में भी पढ़ा था। जनरल डिफेंसेस मेजरली पांच कैटेगरी में डिवाइडेड है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे डिफेंसेस हैं, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पांच ऑफ डिफेंसेस हमें पता होनी चाहिए। इन पांच केसेस के अंदर यू कैन एस्केप द टॉर्टियस लाइबिलिटी। If you establish either of them, the presence of either of them, then you can escape the tortious liability. पहला है voluntary non-fit injury. इसका मतलब क्या हुआ? Voluntary non-fit injury का मतलब ये हुआ, अपनी consent से, अपनी मतलब किसकी consent? Plaintiff के साथ जो भी हुआ वो उसके खुद की consent से हुआ। अभी consent कैसी है? ये consent होनी चाहिए free होनी चाहिए, lawful होनी चाहिए। Simple सी बात है भाई, खुद कुएं में कूद गए तो सामने वाले की कोई गलती नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि प्लेंटिफ ने खुद अलाउ किया है उस पर्टिकुलर रिस्क के लिए, तो ये होता है वॉलेंटरी नॉट फिट इंजरा। और यदि इसमें कोई टॉर्ट कमिट हो जाए तो डिफेंडेंट जो है वो यहाँ पे लाइबल नहीं होता। जैसे कि अभी IPL चल रहा है, यदि हम IPL मैच देखने जाएं और IPL में बॉल आके हमें लग जाए, अब मैच जब हम देखने गए थे, जब हमने इसकी टिकट खरीदी तो हमें पता था कि हमें बॉल लगने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, तो हमें रिस्क के बारे में हर बात पता थी। अब हमें रिस्क पता भी था तब भी हमने अपनी फ्री कंसेंट दी और हम मैच देखने गए। इस केस के अंदर यहाँ पर यदि हमें बॉल लग जाती है तो इस पर्टिकुलर लॉस के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि हमने इस लॉस के लिए कंसेंट दिया था, हमें इस रिस्क के बारे में सब कुछ पता था, तब भी हम आगे बढ़े, हमने टिकट खरीदी, हम मैच देखने गए। दिस इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलेंटरी नॉट फिट इंजुरिया। नाउ सी, एक सिंपल सी बात है, एक कॉन्सेप्ट होता है साइंटी नॉन फिट इंजुरिया, ठीक है। वॉलेंटरी नॉट फिट इंजुरिया जो है ना वो एक डिफेंस है, लेकिन साइंटी नॉट फिट इंजुरिया क्या डिफेंस है? नहीं, दिस इज नॉट अ डिफेंस। साइंटी नॉट फिट इंजुरिया इज मियर नॉलेज, मियर नॉलेज इज नो डिफेंस। कंसेंट इज अ डिफेंस। यदि आप एस्टैब्लिश करो कि कोर्ट में फ्री कंसेंट दिया था प्लेंटिफ ने और वो कंसेंट फ्री था, लॉफुल था, तब मैं डिफेंस क्लेम कर सकती हूँ फ्रॉम द टॉर्टियस लाइबिलिटी। बट मियर नॉलेज जो है वो कंसेंट को, वो कंसेंट में रिजल्ट नहीं करेगी। द लैंडमार्क केस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज हॉल वर्सेस ब्रुकलिन्स ऑटो रेसिंग क्लब। इन दिस पर्टिकुलर केस द कोर्ट हेल्ड दैट इफ द प्लेंटिफ हैज कंसेंटेड टू दैट पर्टिकुलर लॉस, देन द डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल एट ऑल। ऑलराइट, सेकेंड इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। ऐसा एक्सीडेंट जो इंडिविजुअल के कंट्रोल के ऊपर और उसके बाहर चले जाए, ऐसा कोई भी एक्सीडेंट, पहली बात एक्सीडेंट है तो सिंपल सी बात है किसी के कंट्रोल में नहीं है। इनएविटेबल एक्सीडेंट मतलब जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस का इंसान कंट्रोल नहीं कर पाया, अवॉइड नहीं कर पाया, प्लस उसने रीजनेबल केयर भी ली थी, ठीक है। ऑर्डिनरी प्रूडेंस का इंसान था, उसने रीजनेबल केयर भी ली, पर तब भी वो एक्सीडेंट अवॉइड नहीं हो पाया, उसे हम यहाँ पर बोलेंगे इनएविटेबल एक्सीडेंट। नाउ द लैंडमार्क केस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट इज स्टैनली वर्सेस पॉवेल। इस केस में ये हुआ था दैट देयर वर टू मेंबर्स हु वर शूटिंग एट द हु वर एट द शूटिंग पार्टी। एक ने शॉट मारा, उससे लगा दैट ही शूटिंग टुवर्ड्स द बर्ड, लेकिन गलती से वो जाकर दूसरे मैन को हिट कर गया। तो इस केस में कोर्ट ने डिफेंस ग्रांट किया था इनएविटेबल एक्सीडेंट को, और ये बोला था कि दिस इज अ डिफेंस अवेलेबल इन दिस स्पेसिफिक केस। देन प्राइवेट डिफेंस, ये हमारे पास क्रिमिनल लॉ में भी अवेलेबल है, अपनी खुद की बॉडी और अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए रीजनेबल अमाउंट का यूज कर सकते हैं हम फोर्स,
बट दैट शुड बी प्रपोर्शनेट. ये बातें हमें यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है. देन नेसेसिटी. नेसेसिटी के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैक्सिम एसोसिएटेड है, सैल्यूस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स, विच मीन्स वेलफेयर ऑफ पीपल इज सुप्रीम. वेलफेयर ऑफ पीपल जो है वो सुप्रीम है. तो यदि लोगों को सेव करने के लिए जरूरी है कुछ और लॉस कॉज करना, कोई और टॉट कमिट करना, तो ये डिफेंस भी क्लेम किया जा सकता है अंडर लॉ ऑफ टॉट. देन द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट डिफेंस इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. जब भी कोई डैमेज कॉज हो रहा है अंडर, वेन एवर अ डैमेज इज कॉज अंडर द अथॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेचर, then that will act as a defense. Now, while deciding this particular defense, it is important to consider the nature of authority. Absolute or conditional, दो टाइप की अथॉरिटीज यहाँ पर होती हैं बेसिकली. Absolute and conditional. ये डिफेंस जो है ये हमारे पास एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट अथॉरिटी के केस में अवेलेबल होता है, अदरवाइज ये डिफेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है. ऑलराइट, देन मूविंग फर्दर, लेट्स मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कड़क. सिंपल सी बात है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब हुआ ऐसे केसेस जहाँ पर डिफेंडेंट लाइबल होते हैं फॉर द ऑल द एक्सीडेंटल हार्म्स विच आर इवन कॉज्ड विदाउट हिज इंटेंशन और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट. टेक्निकली इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ये बोलता है कि भले तुम्हारी गलती ना हो, लेकिन यदि कोई भी एक्सीडेंटल हार्म कॉज हो जाता है, जैसे यू हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, सो ऑल्दो यू डिड नॉट हैव एन इंटेंशन और यू नेवर एम्प्लॉयड नेग्लिजेंस ऑन योर पर्टिकुलर पार्ट, देन ऑल्सो इट विल बी एप्लीकेबल एंड यू विल बी लाइबल फॉर द एक्शन. आपके अगेंस्ट तब भी एक्शन लाया जा सकता है. ये जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रूल है ये इंडिया में एप्लीकेबल है. और ये किस केस में आया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था स्पेसिफिकली. क्या बेसिक कंडीशन है वो समझ लेते हैं. आपकी प्रॉपर्टी पर यदि कोई डेंजरस थिंग है और वो डेंजरस थिंग एस्केप हो जाए, आपकी गलती हो या ना हो, irrespective of your negligence or mistake, owner का negligence था नहीं था, mistake थी नहीं थी, ये सब matter नहीं करेगा. आपकी यदि आपकी जगह पर यदि dangerous thing थी और वो escape हो जाती है तो आपकी strict liability बनती है. अब strict liability के चार major exceptions है. पहला, plaintiff का खुद का default है, वही voluntary non-fit injury वाली बात हो गई, वहाँ consent थी, यहाँ default की बात कर रहे हैं. तो यदि plaintiff से कोई ऐसी गलती हुई है जिसके कारण ये particular action आ गया, ये accidental harm हो गया, तब जो individual person है, जो property owner है या जो भी main person है जिसका negligence involved नहीं था, उसकी लाइबिलिटी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर नहीं डाली जा सकती. देन एक्ट ऑफ गॉड. एक्ट ऑफ गॉड मतलब भगवान का किया हुआ काम. नाउ व्हाट इज भगवान का किया हुआ काम? यदि आपने ओ माय गॉड मूवी देखी होगी तो आपको एक्ट ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा एक्ट यदि हुआ हो विच इज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बींग, जैसे बारिश हो गई, तेज आंधी चली, साइक्लोन आ गया और तब कोई चीज एस्केप कर गई आपकी प्रॉपर्टी से जो डेंजरस इन नेचर है, देन यू कैन हैव द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. देन एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी एंड स्ट्रेंजर. यदि किसी थर्ड पार्टी के फॉल्ट के कारण वो पर्टिकुलर एक्ट हुआ है तब भी आप ये डिफेंस मांग सकते हो ऑफ ए कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ. वॉलंटरी नॉन फिट इंजोरिया, ये तो हम पढ़ते आए हैं अभी कि इस केस के अंदर तो हमारे पास डिफेंस ऑटोमेटिकली अवेलेबल है. ये तो हर टॉर्टस लाइबिलिटी के हमारे पास अवेलेबल है. तो एक सिंपल सी बात है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर लाइबिलिटी स्ट्रिक्ट होती है. दैट मीन्स द पर्सन विल बी लाइबल इवन विदाउट हिज इंटेंशन और इज ही बीइंग नेग्लिजेंट एट हिज पार्ट. बट देन यू हैव सर्टेन डिफेंसेज अवेलेबल विच यू कैन क्लेम टू एस्केप द टॉर्टस लाइबिलिटी. These defenses are available for you. You can claim these defenses. ठीक है.
अब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ये इवॉल्व हुई थी एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से, भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी और श्रीराम गैस लीक ट्रेजेडी, ये दोनों ने ही एक तरीके से एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इंडिया में इवॉल्व किया था। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है इसको पहले समझ लेते हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर भी इंडिविजुअल लाइबल होता है एंड दिस इज अ गिवन फैक्ट, लेकिन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के साथ साथ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में हमारे पास डिफेंसेस भी अवेलेबल होते हैं। अब हम यदि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट में से ये पांच डिफेंसेस को रिमूव कर दें, ठीक है, तो बन जाएगा एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई भी डिफेंसेस पार्टी के पास नहीं होते, देर आर नो डिफेंसेस अवेलेबल। इफ अ डेंजरस थिंग इज देयर दैट हैज एस्केप्ड योर प्रॉपर्टी एंड दैट हैज कॉज्ड लॉस टू सो मेनी पीपल एंड विच हैज इंजर्ड द लीगल राइट, देन यू विल बी एब्सोल्यूटली लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ दैट, फॉर द एक्ट फॉर विच इवन यू आर, इफ यू आर नॉट नेग्लिजेंट इनफ, आप नेग्लिजेंट थे नहीं थे कुछ मैटर नहीं करता। यहाँ पे कोई भी डिफेंस आपके पास अवेलेबल नहीं होता जो डिफेंस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में अवेलेबल होता है। अब ये जो डिफेंस का पूरा खेल है ना, इसी से हमारे एमसीक्यूज बनते हैं एग्जाम में। हमें लगता है कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में डिफेंस है, पर ऐसा नहीं है। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट में सिर्फ एक थिन लाइन डिफरेंस है। स्ट्रिक्ट में तुम्हारे पास चार या पांच डिफेंसेस अवेलेबल हैं और एब्सोल्यूट के आते ही वो तुम्हारे चार पांच डिफेंसेस चले जाएंगे। तो विदाउट डिफेंसेस जो हमारी लाइबिलिटी है, जो एब्सोल्यूट इन नेचर है, वो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, वो एमसी मेहता से आई। उसके पहले स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आई थी बाय रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, विच वॉज मेड एप्लीकेबल इन इंडिया, बट आफ्टर द भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी एंड द श्रीराम गैस लीक ट्रेजेडी वी डिवॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जहाँ पे ऑक्यूपायर की लाइबिलिटी की बात की गई कि इवन दो इफ द ऑक्यूपायर वॉज नॉट एट ऑल नेग्लिजेंट एट हिज पार्ट, देन ऑल्सो ही विल बी लाइबल, ही विल बी एब्सोल्यूटली लाइबल विदाउट क्लेमिंग एनी काइंड ऑफ डिफेंस फॉर द पर्टिकुलर एक्शन ऑफ नेग्लिजेंस दैट हैज हैपेंड ड्यू टू अ डेंजरस थिंग एट हिज पर्टिकुलर प्लेस। ओके, देन वाइकेरियस लाइबिलिटी। अब वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या है, किस लिए है, उसमें वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट क्या है, इसको हम समझते हैं। अब वाइकेरियस लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सिंपल सी बात है, गलती मुझसे हुई लेकिन मेरा मालिक लाइबल होगा, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तीन बेसिक लोगों का जो रिलेशनशिप है वो वाइकेरियस लाइबिलिटी में कवर होता है, एक प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप और पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप। प्रिंसिपल अपने एजेंट के एक्ट के लिए वाइकेरियसली लाइबल होगा, मास्टर अपने सर्वेंट के एक्ट के लिए वाइकेरियसली लाइबल होगा, एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए वाइकेरियसली लाइबल होगा। ये जो विकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल है, ये दो मैक्सिम्स पे बेस्ड है, एक क्वी फेसिट पर इलियम फेसिट पर से, विच सिंपली मीन्स दैट A person who does an act through another is deemed in law to do it by himself. जैसे कि एक principal के behalf पे यदि एक agent आज कोई activity करता भी है तो भी ये presume किया जाएगा कि उस principal की ही liability है specific case के अंदर। दूसरा maxim जो है वो है respondent superior। ये सिंपली ये बोलता है दैट द सुपीरियर पर्सन विल बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्शन ऑफ हिज जूनियर। जैसे कि इस केस के अंदर यदि प्रिंसिपल है, एजेंट के एक्शन के लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए होगा, सर्वेंट के एक्शन के लिए मास्टर लाइबल होगा। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम वाइकेरियस लाइबिलिटी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट की। स्टेट कब तक अपने एजेंट्स के लिए लाइबल होगा, कब लाइबल नहीं होगा, ये प्रिंसिपल तीन लैंडमार्क केसेस के थ्रू डेवलप हुआ। पहला केस स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। इस केस के अंदर कोर्ट ने बोला दैट स्टेट विल बी लाइबल फॉर द एक्शंस ऑफ इट्स सर्वेंट्स विच आर डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एक बात हमें याद रखनी है, ये जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक स्पेसिफिक पर्सन दूसरे पर्सन का प्रिंसिपल एजेंट है या नहीं है, मास्टर सर्वेंट है या नहीं है, ये हम कुछ टेस्ट डिटरमाइन करते हैं, जिसमें पहला टेस्ट है टेस्ट ऑफ कंट्रोल का। एक बात बहुत क्लियर है, वाइकेरियस लाइबिलिटी के लिए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो लाइबल नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो अंडर द कंट्रोल ऑफ देयर प्रिंसिपल या मास्टर काम करेंगे, वो ही लोग लाइबल माने जाते हैं फॉर द प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी। तो हो गया टेस्ट ऑफ कंट्रोल। दूसरा टेस्ट है हायर एंड
फायर टेस्ट। किसके पास फाइनल अथॉरिटी है हायर करने की, किसके पास फाइनल अथॉरिटी है फायर करने की, ये डिटरमाइन करता है वैकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल टुवर्ड्स हिज एजेंट। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में प्रिंसिपल लाइबल नहीं होता है फॉर द एक्ट ऑफ हिज एजेंट्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वैकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, पहले केस में कोर्ट ने ये बोला कि हाँ स्टेट लाइबल होगा फॉर द एक्शंस ऑफ इट्स सर्वेंट्स। सेकेंड वाले केस में, कस्तूरी लाल वाले केस में, हम लेकर आए कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी क्या बोलता है कि जब भी स्टेट कोई भी सोवरेन फंक्शन परफॉर्म करेगा तब वो इम्यून होगा फॉर द प्रिंसिपल ऑफ वैकेरियस लाइबिलिटी, तब वो लाइबल नहीं माना जाएगा फॉर द प्रिंसिपल ऑफ वैकेरियस लाइबिलिटी। इसे हमने बोला सोवरेन इम्यूनिटी। नागेंद्र राव में आके कोर्ट ने ये समझाया कि ये सोवरेन और नॉन सोवरेन के बीच का जो डिफ्रेंसिएशन है, कोर्ट ने इसको रिमूव करते हुए ये बोला कि जब भी कोई भी सर्वेंट कोई भी ऐसा काम करे जो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वो कर रहा है, तो उस स्पेसिफिक एक्ट के लिए स्टेट भी लाइबल माना जाएगा। और इस केस के अंदर एक नया तरीके से डेवलप किया गया डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी को, जो कि कस्तूरी लाल वाले केस में ले डाउन की गई थी। तो विद रिस्पेक्ट टू लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, ये तीनों के तीनों केसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती, कस्तूरी लाल एंड नागेंद्र राव। ऑलराइट, देन मूविंग फर्दर, जॉइंट टॉर्टफीसर्स, इसको क्या बोलेंगे, वर्ड है जॉइंट, मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, दैट इज मोर देन टू। ठीक है, दिस इज मोर देन टू। नाउ व्हाट आई मीन बाय मोर देन टू इज, जब दो या दो से ज्यादा लोग कोई भी टॉर्ट को कमिट करते हैं इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन डिजाइन, मतलब कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कॉमन है दोनों एक ही चीज के लिए, फॉर द सेम पर्पस दे आर डूइंग समथिंग, देन दे आर नोन एज जॉइंट टॉर्टफीसर्स। नाउ joint tort feasors are jointly and severably liable, इसका क्या मतलब हुआ, A और B ने for example C के साथ malicious prosecution का tort किया, ठीक है, तो A और B तो हो गए joint tort feasors, अब A और B दोनों की मिलकर भी liability है, this is jointly liable, दोनों के दोनों C की तरफ liable होंगे together, that is A plus B, and ए भी सी की तरफ सिंगल लाइबल होगा और बी भी सी की तरफ सिंगल लाइबल होगा, ये होता है सेवरल, मतलब एक साथ तो वो लाइबल है ही है, साथ में अलग अलग भी वो लाइबल है। अब यदि जो ऑब्लिगेशन था वो सिर्फ ए ने फुलफिल कर दिया सी की तरफ, तो ये ऑब्लिगेशन बी को रिलीज कर देगा। ठीक है, मतलब कोई फॉर एग्जाम्पल एक इंस्टेंस लेते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ए और बी दोनों को 100 रुपीस ओ करते थे दोनों सी को, ठीक है, टोटल में 200 रुपीस। अब क्या हुआ, ए ने पूरा 200 का जो अमाउंट था वो सी को पे कर दिया, पेड। ठीक है, नाउ सिंस दे वर जॉइंट टॉर्टफीसर्स, बाय दिस आई मीन दैट इफ ए इज कंप्लीटिंग द ऑब्लिगेशन टुवर्ड सी, this C has received the amount of 200 rupees जितना entitled था। अब वो चाहे A ने 100 दिया, B ने 100 दिया, या दोनों में मिलाकर A ने पूरा दे दिया, point ये है कि C को उसका amount मिल गया। अब वो भले ही A ने अकेले दे दिया, अब C को amount मिल चुका है, that means this will release B also from his liability, this entire transaction के अंदर B will be released from his liability no matter what has happened, who has received how much amount. So this, by this I mean that jointly भी दोनों liable माने जाते हैं और severably भी दोनों liable माने जाते हैं। इनका concept होता है inter se contribution and indemnity। A ने जैसे ही C को 200 रुपए का amount पूरा pay करा, A ने act किया as an indemnifier towards B। Alright? Now let's discuss some of the sample questions जो पहले क्लैट में पूछे गए हैं या एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बताऊंगी, कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग, दिस आई हैव एक्सप्लेन टू अर्लियर कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है,
which is not exclusively a breach of contract, which is not a breach of contract or breach of trust. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी एक लेजिस्लेशन के अंदर टॉर्ट का डेफिनेशन दिया हुआ है, हमें टॉर्ट का डेफिनेशन मिलेगा और ये वही डेफिनेशन है. अभी आप लोग मुझे कमेंट करके चैट बॉक्स में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा. लिमिटेशन एक्ट में है, स्पेसिफिक रिलीफ में है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में है, यहाँ पे कहीं पर भी ये डिफाइंड नहीं है. अब ये तो बात मैंने आपको पहले बता दी कि इन तीनों की किसी ना किसी लॉ में डिफाइंड है, मतलब इन तीनों में से किसी लॉ के अंदर डिफाइंड है. तो इन द चैट बॉक्स डू ड्रॉप अ मैसेज विच इज द करेक्ट आंसर टू दिस गिवन क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट. Who was the main supporter of the theory that it is a law of tort and not law of torts? ये specific theory किसने दी थी? Now Fleming और Huston का answer नहीं हो सकता, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो law of tort और law of torts का पूरा खेल है ये Winfield और Salmon के बीच में है. So you will tell me the answer that who has given this specific theory. I have told you and explained you the concept earlier in this specific lecture only. So you will have to tell me in the chat box ki question number 2 ka correct answer kya hoga. Next, to bring the case within the ambit of strict liability. Strict liability yaad aaya, wo liability jisme defenses available hain. The following is necessary. Kya necessary hai? Kuch dangerous thing honi chahiye. Which has been bought by the person on his land. Absolutely right. ये necessary है. This is necessary. वो thing जो है वो escape होनी चाहिए. Yes, this is also necessary. And it must be a non-natural use of land. अब simple सी बात है, यदि ये दो options necessary हैं तो third necessary automatically होगा. तो इस question का correct answer होगा option number D. That is all of the above. Alright. The pigeonhole theory was for law of tort was given by whom? Again, this is related to the first part of today's lecture. मैंने lecture इसी concept से start किया था, तो आप मुझे बताना कि either it's Salmond or Winfield law, Rod, Lord Macaulay and none of the these two हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये concept मैंने starting में discuss करा है class के, and this is related to the concept of law of torts and law of tort. So this is question number 4th. Do tell me the answer of question number 4th. Okay, next. Which of the following legal maxim is not related to law of tort? Upijus immirabilium. ये related है. ये बात करता है. Where there is a right, then there is a remedy. Ex terpi causa non oritor action. ये भी related है. Do tell me with which topic this is related in the chat box. Res ipsa locutor. ये भी मैंने आपको अभी भी पढ़ाया इसी session में. ये भी related है. ये दोनों आप मुझे बताएंगे कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है. ये टॉर्ट से रिलेटेड है ये मुझे पता है, बट डू टेल मी इन द चैट बॉक्स ये दोनों किस टॉपिक, टॉर्ट के किस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड है. कंसेंसस एड इडम, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ. दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ. ओके, नेक्स्ट. So these were some of the sample questions I have discussed in today's lecture. We'll have one more class on law of torts. In that class, I'll bring you some good more questions on torts specifically. These questions were from with respective of exam point of view. किसी भी LLM entrance examination में आपसे questions पूछे जा सकते हैं. अगले session में more questions ऐसे solve करेंगे. So you can find our free mock. Our free mock is available for LLM entrance examination. You can find the link in the description box. You can also follow us on different social media platforms, and you can also contact us for any query or detail. Please let us know in the chat box what else you want us to bring in for the exam, and all the best and keep studying well.